डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ सात, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी ग्रामर से सर्वनाम। नीचे दिए गए वाक्यों गद्यांश को पढ़िए और इसमें आए रंगीन शब्दों को देखिए। रोहन कक्षा चार में पढ़ता है। रोहन के पिताजी अध्यापक हैं। रोहन पढ़ाई में होशियार है। रोहन को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है। रोहन को विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान बनाया गया है। रोहन ने फुटबॉल के खेल में कई बार पुरस्कार भी जीते हैं। उपयुक्त गद्यांश में रोहन शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है, जिससे वाक्य अटपटे लग रहे हैं। किसी एक ही शब्द का बार बार प्रयोग करने से भाषा की सुंदरता पर भी प्रभाव पड़ता है। संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग न हो, इसके लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे रोहन कक्षा चार में पढ़ता है। अब हमने ऊपर वाले गद्यांश में क्या देखा कि रोहन शब्द बार बार रिपीट हो रहा है। इससे क्या है, बोलने में हमें अटपटा भी लग रहा है, सुनने में भी अटपटा लग रहा है और भाषा भी सुंदर नहीं लग रही है। परंतु अगर हम इसमें सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे तो इससे भाषा सरल हो जाती है और सुंदर भी दिखती है। रोहन कक्षा चार में पढ़ता है। उसके पिताजी अध्यापक हैं। वह पढ़ाई में होशियार है। उसे फुटबॉल का बहुत शौक है। उसको विद्यालय फुटबॉल टीम का कप्तान बनाया गया है। उसने फुटबॉल के खेल में कई बार पुरस्कार भी जीते हैं। उपयुक्त गद्यांश में रोहन संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्द उसके, वह, उसे, उन्हें, उसने आदि शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम का अर्थ है सबके लिए नाम। नाम का संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार न करने पड़े, सुंदर भाषा लगे, इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कुछ सर्वनाम शब्द हैं मैं, मेरा, तुम्हारा, हम, हमारा, वह, यह, ये, वे, कौन, कोई आदि। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, आप सब। इसी तरह मैं और मैंने की जगह पर हम बहुवचन रूप में हम, हमने, मुझको, हमको, मुझसे, हमसे, मेरे लिए, हमारे लिए, मेरा, मेरी, मेरी, मेरे, मेरी, हमारा, हमारे, हमारी, मुझ में, हम में, वह, उसने की जगह पर वे, उन्होंने, उसको, उनको, उससे, उनसे, यह, ये, तूने, तुमने, तुझको, तुमको, तेरे लिए, तुम्हारे लिए, तेरा, तेरे, तेरी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तुझ में, तुम में, उसके लिए, उनके लिए, उसका, उसके, उसकी, उनका, उनके, उनकी, उसमें, उनमें। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। हिंदी भाषा में सर्वनाम के छह भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। जो सर्वनाम शब्द कहने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात की जा रही है के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, तुम, हम, आप, ये, वे, मेरा, तुम्हारा, हमारा, मैंने, तुमने आदि पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, तुम खेल रहे हो, वह विद्यालय नहीं जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित ज्ञान है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इसने, उसने,
आदि। निश्चय वाचक सर्वनाम का मतलब है निश्चिंतता, जब हम किसी चीज के लिए कंफर्म है कि पर्टिकुलर वही है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें निश्चितता नहीं होती है, कन्फर्मिटी नहीं होती है। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं। जैसे हम बोलते हैं अगर कि दरवाजे पर कोई खड़ा है, हमें यह नहीं पता होता है कि कौन खड़ा है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे पानी में कुछ पड़ा हुआ है, बाहर कोई आया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, कैसे, कौन, किसे, किसने आदि। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो रहा होता है तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। तुम कौन हो, क्या तुमने पाठ याद कर लिया। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे खुद, स्वयं, अपने आप आदि। मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, मैं अपने आप विद्यालय चले जाऊँगा, कि जिसमें बोलने वाला स्वयं अपने ऊपर कार्य कर रहा है या अपने लिए बोल रहा है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसे उसे, जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसमें क्या होता है, एक सर्वनाम शब्द का दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध जुड़ा हुआ होता है, उस एक के बिना दूसरा भी अधूरा होता है, तो यह होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसी तरह से